सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर राज शिव मंदिर परिसर में वाल्मीकि नगर सांसद सभी विभाग के पदाधिकारियों के उपस्थिति में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना गया और उसके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। जबकि खटौरी पंचायत के पकड़ी गांव में पानी निकासी के अतिक्रमण मामले में पकड़ी के ग्रामीणों ने आवेदन देकर सांसद से अतिक्रमण हटवाने की भी गुहार लगाई है। डबल बिल आ गया, किसी का कनेक्शन छः महीना पहले साल भर पहले ले लिया नहीं हो रहा, तो हमने निर्देशित किया है स्कूटी मिलने को, एस डी ओ को हमने निर्देशित किया है कि आगामी जो है हर जगह हर पंचायत स्तर पर शिविर लगाएंगे। घूम रहे थे तो उसे हमको जानकारी हुआ और लोगों ने बताया, घेर करके बताया कि बहुत तरह हम परेशान है, तो उसने हमने उसने स्कूटी बिजली और आपको बिजली जो है बघा को कहा कि आप एस डी ओ को निर्देशित करके हर पंचायत स्तर में जो है लगाइए, शिविर लगाइए। खबर मोतिहारी से है, जहां केसरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और लोजपा नेता रविंद्र सिंह ने नगर मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आज से 70 साल पहले जहां खड़ा था आज भी वही खड़ा है, साथ ही इसकी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक बदहाली के जिम्मेदार बिहार के सत्ता से जुड़े सभी राजनीतिक दल है। परिवर्तन लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का नारा दिया है, जिसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यही विजन है कि बिहार के दिशा और दशा को बदलने में हमारी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से सक्षम होगी। समझ गया कि बिना पार्टी ज्वाइन किए यहाँ पे दिक्कत है बिहार, इसलिए मैंने फिर एलजेपी सोच समझ के, इसके इनके विचार समझ के, इनकी दूर की सोच समझ के, ये लोग जात पात से ऊपर है हमारे चिराग भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज ए नेता यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, आपको पहले सुनना पड़ेगा तब आप अगर सोच के बोलेंगे तो यू विल बी एबल टू डू। उनकी ये बहुत खासियत है चिराग की, तो चिराग का मैं फैन हूँ वर्चुअली, और इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। और मेरी समझ ये है कि अगर बैकअप था उससे मैं समझ गया कि बिना पार्टी ज्वाइन किए यहाँ पे दिक्कत है बिहार, इसलिए मैंने फिर एलजेपी सोच समझ के, इसके इनके विचार समझ के, इनकी दूर की सोच समझ के, ये लोग जात पात से ऊपर हैं हमारे चिराग भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज ए नेता यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, आपको पहले सुनना पड़ेगा तब आप अगर सोच के बोलेंगे तो यू विल बी एबल टू डू। उनकी ये बहुत खासियत है चिराग की, तो चिराग का मैं फैन हूँ वर्चुअली, और इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन। भागलपुर के बिहार कृषि यूनिवर्सिटी सबौर में बिहार के जीआई टैग वाले कृषि उत्पाद पर किसानों के साथ एक विशेष बैठक की गई है, जिसमें जर्दालू आम, सुगंधित करतनी चावल, मखाना और शाही लीची की गुणवत्ता युक्त उत्पाद भंडारण और ब्रांडिंग विषय पर विशेष मंथन किया गया। बता दें कि इस बैठक में बिहार के विभिन्न इलाकों से उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन संघ के अध्यक्ष एवं किसानों ने भी हिस्सा लिया है। ऐसा भी प्रयास हो तब तो बढ़ेगा, हम ब्रांडिंग कर पाएंगे, तब तक हम देश के कोने कोने में इसके पहुंचाएंगे, तभी तो किसान हमारे आगे आएगा कि नहीं हमको इस पे फायदा करने का है। ऐसा आप थोड़ा सा विचार करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप तुरंत ही कर दीजिए, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा, अब चूंकि आम का सीजन आ चुका है तो हमारी होर्डिंग्स और पोस्टर्स जो उसके बारे में जो आदरणीय कुलपति जी के का जो उसके प्रचार प्रसार के बारे में जो उन्होंने उत्साह दिखाया, जो ऊर्जा दिखाया, और जो लगातार इनका कार्यकाल तो अभी मुश्किल से एक महीना कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये जो लगातार भागीरथ प्रयास कर रहे हैं कि जर्दालू आम का ब्रांडिंग हो, किसानों को
तो वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से नव निर्वाचित MLC जीवन कुमार का बोध गया में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्वर्णकार समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद हुए, जिन्होंने जीवन कुमार को फूल माला और चांदी का मुकुट पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान जीवन कुमार के समर्थन में लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। और यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच से पहले ही प्रयास में इन्होंने एक अच्छी सफलता हासिल की। इनके उपलब्धि के लिए हम लोग यहाँ पे उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आज सरकार बंधु लोग जो हैं उन्होंने ये एक कार्यक्रम रखा है। हालांकि इनकी जीत जो है BJP के पार्टी से ही है, लेकिन BJP प्लस ये जो है सरकार बंधु लोग हैं, बेस्ट लोग जो हैं सारे लोग। देखिए, हम गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद गठबंधन की जो सरकार है, सरकार जो है एक नया काला कानून ला दी है। और वो काला कानून ये है कि नियोजित शिक्षकों, जो भी नियोजित शिक्षक हमारे बीच में है, जो भी पहले से हमारे वर्तमान में चाहे प्राइमरी के हो, चाहे हाई स्कूल के हो, चाहे प्लस टू के हों, उन लोगों को अब जो है राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो BPSC के माध्यम से। हमारा ये कहना है कि पहले से जब उनको आपने कई एग्जाम ले चुके हैं, भागलपुर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ यानी मूल के आह्वान पर सरकार की नई नियमावली के विरोध में भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। और प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने इस दौरान मांग की है कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन भी सुनिश्चित किया जाए। वही प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जोरदार ऐतिहासिक प्रदर्शन सरकार के विरोध में किया जा रहा है। सरकार को यह चेतावनी दिया जा रहा है, यदि आप नए नियमावली 2023 में जो राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को नहीं दिए हैं, यदि आप देते हैं तो फिर आंदोलन स्थगित करें, अन्यथा आंदोलन और तीव्र होगा। और सरकार से करो मरो नारे के साथ पटना के धरती पर जोरदार आंदोलन करेंगे। हमारी मांग जायज है। वार्ता 18 नवंबर 2022 को हुई थी शिक्षा मंत्री से, उन्होंने आश्वस्त किया था कि अब जितने तमाम नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं सबों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के PG मनोविज्ञान विभाग में आगामी 10 और 11 मई को आयोजित होने वाले जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर स्नातोत्तर मनोविज्ञान विभाग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग अनुशासन के विभागों के विशिष्ट एक्सपर्ट्स छात्रों के सामने अपनी बातों को रखेंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट के रूप में हमने डिफरेंट डिसिप्लिन्स के एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे नेपाल के एक हैं नरेंद्र फागुना, काठमांडू से वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से आएंगे, वो साइकोलॉजी के हैं। एक बांग्लादेश से आएंगी वीरेंद्र यूनिवर्सिटी राजशाही से, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में हैं रवनाथ आरा प्रवीण। फिर AN सिन्हा इंस्टीट्यूट से एक DM दिवाकर, प्रोफेसर DM दिवाकर, वो रिटायर कर चुके हैं, अभी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मोतिहारी में है। बट वो लोग समानता में कहीं ना कहीं कमी देखने को पाया जाता है, तो हम लोग इस सेमिनार के साथ बहुत सारी चीज़ इन लोग को दिखाई। इवन इसमें एक और चीज़ ऐड करें, हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोग समाज को दिखाना चाहते हैं कि पहले महिलाएँ कहाँ थी और आज कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात है ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने का जो टाइम है 30 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया है, और लेट इशू अगर मान लीजिए किसी कारणवश। अब खबर भागलपुर से है, जहां नाराज होमगार्ड अभ्यर्थियों ने समाहरणालय स्थित होमगार्ड कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है और अभ्यर्थियों ने होमगार्ड बहाली को लेकर जोरदार नारेबाजी की और साथ ही नियुक्ति को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को एक ज्ञापन सौंपा है।
हम लोग जो है चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग पूरा मेगा सूची अंतिम मेगा सूची से वंचित हैं। तीन मेगा सूची निकाला गया जिसमें दो मेगा सूची में हम लोग आए नौमाया लिस्ट में, और तीसरा जो है उसमें नाम नहीं आया हम लोगों का। तो हम लोग के पीछे जो है बहुत सीट खाली हुई, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उस दरमियान में हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग जिला अधिकारी से यही मांग है कि हम लोगों को लिया जाए, और जहाँ भी जाते हैं हम लोग डीजी के पास गए मिलने के लिए। भागलपुर सीएमएस हाई स्कूल में 30 अप्रैल को पूर्ववर्ती छात्रों सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि स्कूल की स्थापना हुई थी, वहीं अभी भी कई डॉक्टर और इंजीनियर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करने वाले कई लोग इसी स्कूल से पढ़कर बिहार और स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं, जिसको लेकर पूर्ववर्ती छात्रों का एक सम्मेलन रखा गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर राजगीर के कन्वेंशन हॉल में शुरू हुआ है, और इस शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। बता दें कि इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिविर के दौरान कहा कि उन्होंने विरासत बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता से संघर्ष की ओर मेरा कदम हमेशा बढ़ा है। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने नाबालिग अपहरण मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार युवक की पहचान पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र के करनपट्टी गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जब मामले की छानबीन शुरू की तो इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर बाढ़ से है, जहां अंतर्गत NH 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें टाइल्स मिस्त्री रमेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे PMCH रेफर कर दिया है। वहीं घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मृतक के परिजन के बयान पर थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। करने गया हुआ था, काम करके लौट रहा था, उसी दरमियान में लदमा पुल के पास अज्ञात वाहन के द्वारा इसको धक्का मार दिया गया। धक्का मारने के बाद इसको बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा इसे रेफर कर दिया गया। रेफर के बाद ही रास्ते में मौत हो गए। क्या नाम है इसका? रमेश कुमार, 26 वर्ष के है, जलगोविंद गाँव के निवासी। तो उसके बाद ये अभी पोस्टमार्टम हो रही है, बाढ़ में पोस्टमार्टम।
खबर नालंदा से है, जहां दुकान बंद करने के बाद मनचलों को सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की मां और बेटे के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना के संबंध में थाने में FIR भी दर्ज की गई है। अब तुम लोग दरवाजा आदत पकड़ लिया है, बार बार यही काम रहता है, कभी 11:30 बजे कबाड़ी फिटता है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे कबाड़ी फिटता है। ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग 9 बजे तक हम दुकान करते हैं, उसके बाद हम नहीं देंगे सामान, समझे ना। तो उसको क्या किया, हमको चैन थे 10 ग्राम पहले उतर लिया, ईटा चलाने लगा, उसका बाप माया आया तो मारपीट करने लगा, हमको भी बहुत मार मारा, मेरा लड़का भी बहुत मार मारा, हम क्या करें। तो दोनों क्या जख्मी हो गए थे? दोनों मेरा तो वही तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के PG सेमेस्टर 2 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें कई छात्रों को 0.5 और 1.5 और 2 नंबर से अधिकांश छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। वही अगर पूर्व की परीक्षा का परिणाम सेमेस्टर 3 का देखे तो उसमें भी यही हाल था। पहले भी 0.5 नंबर से छात्रों को फेल कर दिया गया था, जबकि यूनिवर्सिटी के मानसिकता छात्रों को प्रताड़ित कर रही है। बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद भी यूनिवर्सिटी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पीरपैती प्रखंड के राजगांव पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मिट्टी भराई एवं पोखर से मिट्टी खुदाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जबकि मुखिया प्रत्याशी ने जानकारी दिया कि पंचायत में मनरेगा योजना के तहत रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाले काम एक स्थानीय मजदूर से नहीं करवा कर अन्य लोगों से करवाया जाता है, और साथ ही मजदूर लोगों को प्रलोभन देकर आदिवासी समाज का फोटो खिंचवा कर कार्यालय भेज कर योजना के पैसे को निकाला जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। मिलेगा PRS के साथ में खिंचवाए थे फोटो? हाँ। मुखिया भी थे? मुखिया नहीं था। कौन था फिर? खाली सिर्फ PRS? हाँ, बस वही। फोटो कौन खिंचवाया था अपना? यहाँ पे स्थानीय लोग होगा। क्या नाम है? रसन। रसन और PRS? हाँ, वही लोग खींच के हम लोग के लिए। आपका ही फोटो खिंचा था बाबा? हाँ। आपका ही फोटो खिंचाया था? नहीं, नहीं था। आप काम में नहीं थे? काम में नहीं था। एक दिन काम करने का आपको 300 मिलता है? 300 मिलता है, अब सरकार देगा जो तब ना। मेरा नाम हो गया तल्लू सोरेन। तल्लू सोरेन जी सर, ये जो रोड बन रहा है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये सर मुखिया द्वारा बन रहा है। मुखिया द्वारा? मुखिया कौन है? संतोषी मुर्मू। संतोषी मुर्मू जी सर। तो ये जो रोड जो बन रहा है, तो रोड में जो भराई हो रहा है मिट्टी, ये मिट्टी कहाँ से लाया जा रहा है? सर हम तो उस दिन नहीं थे घर में, तो करीब 4 बजे। मिलेगा? मिलेगा। PRS के साथ में खिंचवाए थे फोटो? हाँ। मुखिया भागलपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट के द्वारा नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म मामले में आरोपी बेटा को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट के द्वारा 1 साल के अंदर आरोपी को सजा दिलाई गई। आपको बता दें कि विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पन्नालाल की कोर्ट के द्वारा नाथनगर थाने क्षेत्र में अपनी ही नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भागलपुर में आग लगने की घटनाएं काफी तेजी से हो रही हैं। बता दें कि पटेल बाबू रोड स्थित वी मार्ट शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मॉल के कर्मचारी और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो वही भागलपुर में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है। 2 दिन पहले दिन दहाड़े कपड़ा व्यवसायी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। वहीं आज पौच इलाके में दबंगों ने चाकू से 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायलों को नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
सासाराम के भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित दो लोगों को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि देर रात को विधायक के घर पर पहुंची पुलिस ने विधायक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं सासाराम के भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने से चर्चा का विषय बन गया है। अरेस्ट कर लिया कि उठा लिया, ये भी क्लियर नहीं है। थाने में हम लोग बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि किस धारा के तहत, किस कार्रवाई के तहत इनको उठाया गया है, लेकिन पुलिस उसकी जानकारी दे नहीं रही। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से संविधान को ध्यान रखते हुए, कानून को ध्यान रखते हुए हम लोग आग्रह कर रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी से या जो भी यहाँ पे SI हैं या जो भी पदाधिकारी हैं कि कम से नवगछिया पुलिस जिले के स्टेशन के पास स्थित सुंदरम फास्ट फूड रेस्टोरेंट को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही इसी सुंदरम फास्ट फूड रेस्टोरेंट से जोमैटो ऐप के माध्यम से नाबालिग नवगछिया के 6 युवकों ने वेज नूडल और पनीर चिली खाने के लिए मंगवाया था। खाना खाने के क्रम में ही पनीर चिली में एक मकड़ी निकल गई, जिसके बाद 5 युवकों की तबीयत खराब होने लगी, जिन्हें अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया गया, जहां एक युवक की तबीयत ज्यादा खराब होते देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वही इसी क्रम में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आदेश दिया और कहा कि जब तक रेस्टोरेंट में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक रेस्टोरेंट यूं ही सील रहेगा। वगैरह शीशा वगैरह लगाएंगे, पीछे का भी दरवाजा सब बंद रखेंगे, कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए। कॉकरेज वगैरह कितने दिनों तक के लिए सर? जब तक ले नहीं होता है जब तक ले बंद रखें, टाइमिंग नहीं है, आप काम लगा दीजिए। दोबारा सर आप फिर चेक करने आए? हाँ, क्या कहते हैं, अनुपालन प्रतिवेदन भेजिए कि हम अपना जो है अपग्रेड कर लिए हैं, तब आपका खुलना है। खोलिएगा तो दिक्कत होगा, थाना में लिख के दे देंगे तो पकड़ के ले जाएगा, समझ गया? चलिए खोलिएगा नहीं, रेस्टोरेंट को जो है ओपनिंग नहीं करेंगे। क्या शिकायत मिली थी सर? ये तो हमारा इसमें पेपर अखबार के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ था, इतना कि इसमें मकड़ी पाया गया, उसी के अनुपालन में हम यहाँ पहुँचे और प्रथम शिक्षा में सबको पता नहीं चला, कोई नहीं था, लेकिन अभी नमूना मिला है तो इसमें मकड़ी असर दिखलाई दे रहा है। रोहतास डेयरी के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एवं सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर दोनों नए अधिकारी ने अंचल अधिकारी से फीडबैक लेकर अपने दल बल के साथ गोल्डन सैंड की चोरी में लिप्त माफियाओं एवं अवैध खनन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बाहर निकले हैं, जिसमें बालू लदे डंप पर हाईवे और ट्रैक्टर पकड़े गए, जिनके पास बालू का चालान नहीं था और वो वाहन पर क्षमता से अधिक बालू लादे हुए थे। उन वाहनों को जब्त कर थाना को सुपुर्द कर दिया गया और साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि नियमानुसार वाहन, वाहन चालक एवं वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाए। उसको पकड़ा गया है और मांग करने पे किसी ने कोई चालान का कॉपी नहीं दिखाया है, तो उसके बाद जो है स्थानीय थाना में जो है गाड़ी को जो है भेजते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। और उससे पहले लगभग 1:30 बजे के आसपास तिलौथू में एक हम लोग ने हाइवा पकड़ा था, वो भी ओवरलोडेड था और उसके पास भी कोई कागज था, हमारा स्पेशल फोर्स था, SDO साहब थे, मैं था और हम लोगों ने कई जगह पर छापामारी करी। उसमें से दरियर में जब परवाल घाट पर पहुंचे तो उसके समीप पर कच्ची सड़क के पास करीब 11 व्हीकल खड़े हुए थे, जिसमें 4 हाइवा थे और 7 ट्रैक्टर थे जो तैयार हालत में खड़े हुए थे, निकल रहे थे। उसमें चालक मौजूद थे, 4 चालकों की गिरफ्तारी भी हुई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।